किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि मछली पालन में एक ऐसी मछली, वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये सिंगी मछली है, इसमें कुछ डिटेल जानकारी आपको हम देंगे। जो भी किसान भाई मछली पालन करते हैं उनका ये मन होता है कि कुछ ऐसी मछलियों के बारे में भी हमें बताइए जिनका फार्मिंग हम कम खर्च में या बिना खर्च के कर सकते हैं। तो आपको डिटेल जानकारी देंगे सिंगी मछली पालन के बारे में, और ना ही सिर्फ सिंगी मछली, बिना खर्च के इसमें आपको जीरो लागत आने वाला है। बस बच्चा खरीदने में जो खर्च आएगा वो खर्च आएगा, उसी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे बिना खर्च। इसके भोजन में बिल्कुल भी खर्च नहीं आने वाला है। और मछलियों को ये कैसे फ़ायदा पहुँचाती है सिंगी मछली अगर तालाब में है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। और इस मछली से काफ़ी सावधान रहने की भी ज़रूरत है जब आप इसे पकड़ते हैं, क्योंकि ये डंक भी मारती है, और जिससे थोड़ा सा आपको कुछ देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए दर्द होते रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप चाहते हैं कि साल भर के बाद जब हम मछली पालन करते हैं, रोहू कतला मछली पालन करते हैं या पंगास मछली पालन करते हैं, कोई भी मछली पालन करते हैं, डबल प्रॉफिट हमें मिले, यानी कि जितना हमने सोच रखा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपने अक्सर सुना होगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ समय के बाद कहीं हम पैसा लगाते हैं वो पैसा बढ़ता है, काफ़ी बढ़ता है, और ऐसा ही है सिंगी मछली। इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि बच्चा अगर चाहिए होगा सिंगी का या देसी मांगुर का, दिए हुए नंबर पर कॉल करके, जो नंबर दिख रहा है कॉल करके आप बच्चा मंगवा सकते हैं सिंगी का और देसी मांगुर का। रोहू कतला मछली पालन जब आप करते हैं, साल भर का समय लगता है और मछलियाँ तैयार होकर निकलती है, जितना आपने डाला होता है उतना निकलती है और आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन उतना ही खर्च में, जितना खर्च में रोहू कतला मछली पालन आप करते हैं, साथ में अगर आप सिंगी का बच्चा, यानी कि जिस समय रोहू कतला का बीज आप अपने तालाब में डालते हैं, मान लीजिए आपने मार्च में डाला है रोहू कतला का बीज अपने तालाब में और दिसंबर तक हार्वेस्टिंग आपको लेना है, उसी समय मार्च में आप सिंगी का भी बच्चा अपने तालाब में डालिए। एक एकड़ के तालाब में 10,000 सिंगी आपको डालना है। रोहू कतला को जो भोजन आप करवाएंगे, ये बंगाल में, आंध्र प्रदेश में किसान भाई कर रहे हैं, बहुत ही दिमाग लगाते हैं वहाँ के किसान भाई मछली पालन करने में कि एक्स्ट्रा कमाई कैसे की जाए उतना ही लागत में जितना लागत में रोहू कतला तैयार होगा। 10,000, 12,000, 13,000 तक सिंगी आपको अपने तालाब में डालना है। 5-6 कुंटल का तो ज़रूर हार्वेस्टिंग होगा अंत में। साथ में भोजन की अगर हम बात करें, जो मछलियाँ ऊपर के लेयर की है आप सरसों की खली उन्हें खिलाते हैं, जो बेस्ट जाएगा वो ये मछलियाँ खा जाएंगी, सिंगी खा जाएंगी, या जो मछलियाँ दाना खाती है उसका जो गंदगी मछलियाँ करेगी, ऊपर लेयर में तीनों लेयर में रहने वाली मछलियाँ जो भी गंदगी करेगी वो सिंगी मछली खा कर तैयार हो जाएगी। बहुत सारे किसान आंध्र प्रदेश में हो गया, कोलकाता में हो गया, ऐसा काम कर रहे हैं, रोहू कतला के साथ तालाब का ऐसा निर्माण करवाते हैं जिसमें उनका सिंगी भी पल जाता है और सिंगी भी तैयार हो जाता है। साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद सिंगी 100-150-200 ग्राम का होता है, और बिना खर्च का, यानी कि जो खर्च रोहू कतला में आया है भोजन में, उसी खर्च में 5 कुंटल 10 कुंटल तक वो हार्वेस्टिंग लेते हैं सिंगी का। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जिस समय आप सिंगी मछली डालेंगे रोहू कतला के साथ, आपको फीडिंग नहीं करवाना है, रोहू कतला को जो फीडिंग करवाएंगे उसी पर इसका फार्मिंग होगा, लेकिन डेंसिटी, मान लीजिए आप एक एकड़ में ऐसे सिंगी मछली पालन करते हैं तो 50,000-60,000 बच्चा तक डाल सकते हैं, लेकिन रोहू कतला के साथ जब आप फार्मिंग करेंगे सिंगी का, तो आपको 10,000 तक बच्चे डालने हैं, और तालाब में 4-5 जगह गड्ढा करवा देना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आपको IMC मछली पालन में लॉस हो गया, या सीड का क्वालिटी अच्छा नहीं मिला, आपने भोजन में बहुत अधिक खर्च कर दिया,
आपने बच्चा खरीदने में बहुत अधिक खर्च कर दिया या टाइम आपका बहुत अधिक निकल गया, तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो सिंगी पूरा कर देगा। तो हम भी यही काम करते हैं अपने रोहू कतला मछलियों के साथ, सिंगी 10,000-15,000 तालाब में डालते हैं और तालाब सुखाने के बाद सभी का हार्वेस्टिंग होता है 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, यहाँ तक कि जब आप मंडी ले जाते हैं तो 600 रुपये प्रति किलो तक इसका रेट मिलता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सिंगी का बच्चा आप डालिए, मंगवाइए और अपने तालाब में डलवाइए। बहुत सारे किसान हैं हमारे देश में, अपने देश में, जो रोहू कतला के साथ सिंगी का फार्मिंग करते हैं। इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे भी देती है और बच्चा वो बढ़ता भी है काफ़ी अधिक। आप 10,000 डालेंगे, 25,000-30,000 मछली का आप हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बच्चा मंगवा।